शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जल्दी, अभी तो 7 बजे हैं बेटा। हाँ माँ, आज ऑफिस में जापान से डेलीगेट्स आ रहे हैं, इसलिए पूरे स्टाफ को जल्दी बुलाया है। तो रुक, मैं फटाफट तेरे लिए कुछ बनाती हूँ, तू खा के जाना। माँ कोई जरूरत नहीं है, मैंने सारा काम कर दिया, आप टेंशन फ्री रहो। मैंने सब्जी चढ़ा दी है, आप बस उतार देना, ठीक है? गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग दी। लो, उठ गई आपकी लाडली। सिंपल, तू जल्दी नहीं उठ सकती? हाँ, जब देखो सोती रहती है। अरे अपनी बड़ी बहन का थोड़ा हाथ बटाया कर, वो क्या क्या करेगी, ऑफिस में संभाले, घर भी देखे, थोड़ा कुछ तू भी क्या कर। अरे माँ, मेरी दी तो है ही ऑलराउंडर, सारा काम संभाल लेंगी। और वैसे भी मैं तो दी का छोटा सा बच्चा हूँ ना, है ना दी? हाँ, छोटे से बच्चे अगर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया ना तो चांटे पड़ेंगे, समझी? अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगी। अपनी पढ़ाई करके रखना, समझी? बाय बाय। हाँ हेलो मधु, हाँ मैं आ रही हूँ। ये ऑटो क्यों नहीं आया अभी तक? हेलो डिंपल, ये जो तुम्हारे नखरे है ना, इसी पे तो फिदा हूं मैं। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया, ठीक है? ये मेरे ना प्यार की निशानी है, और मैं चाहता हूं कि पूरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ बिताऊं। तुम्हारी तरह ना तुम्हारा ये गिफ्ट भी घटिया है। तुम्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता ना। आज के बाद ना बस पीछा मत करना तुम, वरना ठीक नहीं होगा। अभी ना प्यार से बोल रहा हूँ, चाहता ना तू उठा के भी लेके जा सकता था। जैसे घटिया इंसान से ना कुछ और उम्मीद भी नहीं कर सकते। देखो तुम मुझसे कितना भी छुपा लो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हारा शाम को वेट करूंगा, और मुझे ये भी पता है कि तुम जरूर आओगे मिलने मुझसे। हाथ छोड़ो मेरा। और अगर नहीं छोड़ा तो? दूर रहो मुझसे, समझे? और क्लॉडिया मेरा पीछा मत करना। सिंपल, इतनी देर से किचन में क्या कर रही है, क्या बना रही है ये? अरे सरप्राइज है, ला रही हो। इतनी देर से काम करने जा रही है, आज हुआ कैसे? मेरे हाथ की सेवैया ट्राई करो, स्पेशली आपके लिए बनाई। तूने बनाई है? और टेस्टी है। तूने कब सीखा ये सब? बस मेरे हाथ का जादू है। तूने ये कब बनाई? माँ जब आप सो रही थी। और घर में तो सेवई नहीं थी। माँ मैं मार्केट से ले आई थी। हेलो, हाँ गुप्ता जी। डिंपल, तुम्हारी बहन सेवैया लेके गई थी, उसका पैसा बाकी है देना। अच्छा कब? आज शाम में लेके गई थी। कोई नहीं, मैं आपको कल सुबह पैसे देती हूँ। माँ ये सेवैया इसने नहीं बनाई, गुप्ता जी की दुकान से आई हैं।
और किसी का जरूरी फोन होगा। हेलो, तुम क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान कर रहे हो? डिंपल, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम आए क्यों नहीं? तुम पागल वागल हो क्या? एक कुत्ते को भी चार बार पत्थर मारते हैं ना तो वो भी समझ जाता है। तुम तो कुत्ते से भी ज्यादा गए गुजरे हो। दीदी, किसका फोन है? कोई नहीं, क्लफंगा है, बदतमीज लड़का है जो बार बार मुझे फोन करके इरिटेट कर रहा है। कहां से मेरा नंबर निकाल लिया और मुझे परेशान करे जा रहा है बार बार। बेटा, ज्यादा परेशान कर रहा है ना तो पुलिस में कंप्लेंट करते। हाँ दीदी, मम्मी ठीक कह रही है। नहीं मम्मी, पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना है। मैंने उसको डांट दिया ना, वो नहीं करेगा परेशान, मैं बोल रही हूँ। चलो ये गुप्ता जी की सेवाइयाँ खत्म करो अब। डिंपल, डिंपल। हाँ मम्मी। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान लग रही है? वो कुछ नहीं मम्मी, बस सब ठीक है। मैं जानती हूँ बेटा, जब से एक्सीडेंट में तेरे पापा और भाई हमें छोड़ के गए हैं, तूने सारी जिम्मेदारी संभाली है। अपनी पढ़ाई छोड़कर रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करी है ताकि सिंपल को पढ़ा सके। तेरे साथ कुछ भी हो जाए ना तो उस घर तक आंच ही नहीं आने देती बेटा। पर मैं तेरी माँ हूँ, अपना सुख दुख अपनी परेशानी तो मुझे बता सकती है। जी मम्मी, मुझे पता है, लेकिन आप भी मेरा विश्वास कीजिए, मुझे कुछ भी होगा तो मैं हमेशा आपको सबसे पहले बताऊंगी। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जल्दी करो, मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। आ रही हूँ बाबा, ये ले तेरी पसंद के राजमा चावल है, ये। थैंक यू माँ, लव यू, यू आर द बेस्ट। तू ऑटो से बाहर जा रही है ना, मुझे मार्केट छोड़ देना, घर का राशन लेना। ठीक है माँ। एक मिनट रुक, मैं थैला लेकर आई। सिंपल, तू भी चलना। नहीं ना। अरे नहीं, उसको पढ़ने दे, उसके एग्जाम आने वाले। ठीक है, सिंपल दरवाजा बंद कर लेना। ठीक है, बाय बाय। मेरा नाम राघव शर्मा है और मैं इन्वेस्टमेंट एजेंट हूँ। क्या मैं थोड़ी देर के लिए आपसे बात कर सकती हूँ? वो आई एम सॉरी, पर मेरी बड़ी सिस्टर ये सब हैंडल करती हैं और वो इस टाइम पे घर पर नहीं है। आप शाम तक आ सकते हैं क्या? एक्चुअली मुझे ना इन्वेस्टमेंट की नॉलेज नहीं है। यू नो मैम, आपको देख कर लगता ना कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, और वैसे भी इस दुनिया की जितनी भी लड़कियाँ हैं ना, उन्हें इन्वेस्टमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये बात भी सही है। आप अंदर आइए ना, प्लीज कम इन। थैंक यू। आइए अंदर चलिए। ये लीजिए। थैंक यू। जी बताइए आप। हाँ सो मैम, ये जो हमारा बेसिक प्लान है, पॉलिसीज तो बहुत अच्छी हैं। जी बस आपको हर महीने ना पैसे जमा करने इसमें, और 15 साल के बाद आपको इतने प्रॉफिट्स होंगे कि आप सोच भी नहीं सकती। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मैं फिलहाल तो अभी स्टडीज कर रही हूँ, पर मैं प्लान कर रही हूँ कि स्टडीज के साथ साथ जॉब भी कर लूँ। वो मुझे ना अपनी बहन और माँ के लिए ढेर सारे पैसे कमाने हैं। That's amazing. काश कि सारी लड़कियाँ आपकी तरह सोच पाती।
आप इंसान भी बहुत अच्छे और बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। अब कुछ चाय या कॉफी लेंगे? अरे नहीं, ये जूस है ना, काफी है। थैंक यू।